परिचय चाहूंगा सर और जानना चाहूंगा आज के बारे में जो शूट हो रहा है कौन से फिल्म में क्या विषय है और नहीं 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 एक मिनट एक मिनट मैं परिचय देता हूँ। मेरा बहुत छोटा सा नाम है एमजी वत्स, महेंद्र गोविंद वत्स। और काफ़ी टाइम से मतलब लास्ट 25 ईयर्स आई बीन स्ट्रगलिंग इन फिल्म इंडस्ट्रीज एंड नाउ आई जस्ट फ्यू डेज बैक आई कम्प्लीटेड वन लव यू आई आर द शॉर्ट फिल्म। वेरी सून पीपल विल वॉच ऑन द यूट्यूब एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल प्लीज सब्सक्राइब दैट मूवी एंड जस्ट लाइक दिस मूवी। विल गिव यू एवरी मंथ वन न्यू एडिशन ऑन द यूट्यूब एंड नाउ आई एम शूटिंग ए प्लेबैक सॉन्ग विच इज रिटन बाय गुलाम अली, ओके, गुड राइटर एंड तन्हाइयों में तेरी, दिस इज यू नो मुखड़ा इज लाइक दैट। इट इज़ अ वेरी गुड सॉन्ग, इट इज़ वेरी कैची सॉन्ग, इट विल बी ए सुपर हिट इन द फ्यूचर। सो वी आर जस्ट शूटिंग एट मनीषा बंगलो मड, ओके। सो जस्ट दैट्स इट। देर इज ओनली वन नोन आर्टिस्ट एज सुरेंद्र सिंह ठाकुर इज द नोन आर्टिस्ट। ही विल बी रीचिंग बाय 4 o'clock एट हियर एंड ही विल बी अ सिंगल शॉट इज देयर बट ऑल आर्टिस्ट आर न्यू एंड वन ऑफ द दीपक गौतम इज अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर। वी आर लॉन्चिंग टू हिम विद सॉन्ग एंड द मूवी ऑल्सो, ओके। सो ही इज माय प्रोड्यूसर मिस्टर अंकित कुमार जी गौतम। बताइए ये यूपी से हैं और अभी आए हैं बॉम्बे और इन्हीं के ब्रदर को हम लॉन्च कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा, मेरे इनको बहुत विशेष हैं, इनको बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा काम करें और इंडस्ट्री में अपना नाम करें। सर के बताइए प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि क्या आपको मतलब प्रेरित किया ये फिल्म लाइन में आने के लिए और यू नो। तो सर ने मुझे मौका दिया और सर मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मेरी पहली फिल्म है शॉर्ट फिल्म और ये अपना सॉन्ग है लगी आपका। नहीं नहीं एक मिनट मैं थोड़ा चाहूँगा, उनको उस बात का अंदाज़ा नहीं है, ये गाना लव यू आयात का नहीं है, ये अपने आप में एक म्यूज़िक एल्बम है जिसे हम बना रहे हैं और ये मे बी आई एम नॉट अश्योरिंग यू बट मे बी वी विल बी रिलीज फ्रॉम टीचर। हाँ बातें हो मतलब सारे बातें हो चुकी हैं, डिसाइड हो गया है टी सीरीज की सीरीज को यूट्यूब में जो भी आप जो टी सीरीज डिसाइड करेगा उसे कहाँ रिलीज करें। सॉन्ग का क्या थीम है? सॉन्ग का थीम ऐसा है कि एक लड़का है अमित, उसका एक लड़की पे दिल आ जाता है, यानी जैसा आज हो रहा है विच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। या मी नो नॉट मी टू इज नॉट वी कैन से नॉट मी टू बिकॉज माई एक्टर इज वेरी न्यू सो हाउ इज नॉट पॉसिबल। मी टू इज ओनली happening with the celebrities because girls are very smart बेटी तो आप ही हैं। नहीं 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 कहाँ है भैया, हम सेलिब्रिटी ब्रेटी है इसलिए तो होने वाले हैं, सेलिब्रिटी है ही नहीं अभी, हम बनेंगे बट अभी क्या है कि मीटू जो है इट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट इज वी कैन से लाइक इट इज अ प्योरली ब्लैकमेलिंग एजेंडा फ्रॉम द एक्ट्रेस गर्ल्स वट एवर। देखिए मैं डायरेक्टर हूँ इसलिए उनका पक्ष ले रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है। तो इसमें ये है कि वो मीटू को छोड़ दीजिए, अब ये जो गाना है ये एक एक लड़के का इश्क प्रेम मोहब्बत जो है वो एक लड़की को देखने के बाद क्या फील करता है वो इस गाने में है, दैट्स इट। तो इस गाने को सिर्फ वो ज़्यादा फॉलो करेंगे जिनके दिमाग में एक इमेजिनेशन है कि ये मेरी मोहब्बत बन सकती है, मैं इसको चाह रहा हूँ, बस उसका एक उसकी फीलिंग्स है इस गाने में, दैट्स इट। ये फ्लैशबैक है, वो देख रहा है लड़की, वन साइड लव है, लड़का अपनी फीलिंग्स लड़की तक पहुँचा रहा है गाने के थ्रू। म्यूज़िक हमारे SDG पंत का है जो कर्नल रिटायर्ड कर्नल हैं आर्मी से, उन्होंने कंपोज किया है। गुलाम अली का जी। आज ये मनीषा बंगलो में शूट चला, कब तक ये शूट चलेगा, रिलीज कब तक होगा? ये मान के चलो कि 2 दिन हम शूट करेंगे आज और कल और मे बी नेक्स्ट वीक हम रिलीज कर देंगे। सर आप कुछ बताइए इस बारे में कि क्या प्रेरित किया आपको इस लाइन में आने के लिए, अपने बारे में परिचय दीजिए, क्या करते थे पहले, अभी आगे क्या प्लानिंग है आपका? सर कैटरिंग का बिजनेस कैटरिंग का करता हूँ अहमदाबाद में, गुजरात अहमदाबाद में इवेंट का भी करता हूँ। तो क्या है कि मेरे भाई को मुंबई आया, उन्हें जैसा मिले
सर ने बताया ऐसे ऐसे फिल्म बनाने के लिए, और अपना ये सॉन्ग है तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, मैंने भी सुना है। अच्छा। और मुझे खुशी है कि मेरा भाई बने और मैं भी कुछ बनूँ। तो किस तरह के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे, एल्बम अभी सपोर्ट कर रहे हैं, आगे आगे की देखेंगे ना सर, करना चाहते हैं? हाँ, इसमें रखेंगे हम अपना। हाँ सर, दो घंटे की पूरी मूवी बनानी है, अभी शॉर्ट है, फुल मूवी बनाएंगे। और क्या मतलब बहुत सारे अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, कलाकार हैं, कौन से कलाकार से प्रेरित हैं आप, किस किसके फैन रह चुके हैं आप? मेरा फैन रणवीर सिंह है सर, रणवीर सिंह हो गया सर, उनके साथ फिल्म बनाना था, उनसे मौका मिलेगा भी। किस तरह का विषय होना चाहिए फिल्म का सर? हमारे ईपी के हिसाब से लेंगे, मैं ईपी का रहने वाला हूँ, वहाँ के हिसाब से हम देखेंगे। ये मार्क पे चला है ना, वो लाइट सेंटर कर देगा, हाइट नहीं है इधर पे। वो वाला वहाँ पानी में मार देगा, वो वाला पानी में। हाँ, ये यहाँ से आई। हाँ ठीक है, पानी हिला दो एक बार, थोड़ा हिला दो सर, क्या लेयर लेयर चाहिए, हमारे फेस पे रिफ्लेक्शन आएगा। हाँ वही घुमा दे ऐसे। हाँ ऐसा घुमा दे सर, Correct. Correct. Correct.
स्माइल राइट स्माइल करेक्ट नेहा चौधरी जैसे पहले पर्ची सॉन्ग आपका जानना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में, एक म्यूजिक एल्बम है, कितना ज़्यादा उत्साहित हैं और कितना ज़्यादा उत्साहित हैं और कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत डिफिकल्टी हो रहा था गाने के अंदर ये शूट करना? ऑफकोर्स बिकॉज मुझे स्विमिंग नहीं आती है तो डिफिकल्ट तो हो गई ऑफकोर्स मेरे लिए तो खास करके, और मुझे पानी से डर लगता है द सेकेंड थिंग, और हम लोग काफ़ी लेट भी हो चुके हैं तो बस जल्दी जल्दी करना है, और ये टाइम तो ऐसा है, सीज़न ऐसा चल रहा है अभी कि कोई भी कभी भी बीमार पड़ेगा तो भाई एक ये भी डर है बस, लेकिन आई एम एक्साइटेड फॉर द शूट। महेंद्र जी के साथ काम करके कैसा लगा आपको? ऑफकोर्स अच्छा लगा, किसी नए डायरेक्टर के साथ काम करते हैं या मैं उनकी ये फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ उनके साथ में, तो इट्स नाइस। और इससे पहले कुछ प्रोजेक्ट आते जाते हैं? हाँ, मेरा एक सीरियल आने वाला है जी टी वी पे सेकंड लीड में, और मैंने अभी एक जी म्यूजिक की एक वीडियो सॉन्ग किया है, वो भी इसी मंथ में रिलीज हो जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। मुंबई में आना कितना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहा अभी तक, और कितना ज़्यादा संघर्ष है? संघर्ष नहीं, बिकॉज मेरी फैमिली रहती है, बट आई एम मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके, हर तरीके के लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। आगरा से। तो कैसी लगी आपको इंडस्ट्री में, आप जितनी तारीफ कर रहे हैं लोगों की, लेकिन यहाँ पे तो लोगों पे मतलब आरोप लगाया जा रहा है बड़े-बड़े लोगों पे। डिपेंड करता है आप कैसे हो, वैसे लोग आपको मिलेंगे, अगर नहीं पसंद है तो ना। हाँ तो हाँ, मी टू कैंपेन सपोर्ट करती हैं? मी टू के बारे में मैंने तो कुछ जाना नहीं है, पढ़ा नहीं है, और आई डोंट नो अबाउट इट एनीथिंग, तो मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगी नहीं। सिंपल द थिंग ये है कि मुझे अभी तक अच्छे लोग मिले हैं तो आई डोंट थिंक सो, और इफ आपका आपकी फैमिली किसी को जानती है तो और मोर बेटर, आपको इंडस्ट्री में आने को फायदा हो सकता है। तो क्या मायने रखता है इंडस्ट्री में आने के लिए और एस्टैब्लिश होने के लिए आपके लिए, नज़र में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? वन थिंग द टैलेंट, देखो किसी का भी अगर टैलेंट है, इफ वो बड़े इंसान का भी है तो एक बार पिक्चर मिल जाएगी, सेकेंड टाइम तो टैलेंट की वजह से ही मिलेगी ना, तो द थिंग इज टैलेंट, उसके बाद आपका लक, आपके कॉन्टैक्ट्स, दैट्स इट। नमस्कार जी, बड़ी हाँ सर जी, तो दीपक जी यस, हम माई फर्स्ट टाइम सॉन्ग एल्बम सॉन्ग, और मुझे इसमें काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। इज माई बेस्ट फ्रेंड आशीष, माई सेल्फ आशीष इज माई बेस्ट फ्रेंड, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, समथिंग 4-5 ईयर्स हमारी फ्रेंडशिप है जी, और ये हमारा पहला है स्टार्ट है, और दीपक के साथ में काम करके बहुत अच्छा लगा। आपको बैकग्राउंड क्या क्या मतलब पहले सुना? फर्स्ट टाइम से दीपक ही देखे हैं, पहले एक शॉर्ट मूवी कर चुका हूँ पहले, लग गया है शॉर्ट मूवी। और बताइए कौन सी शॉर्ट मूवी की है? लव यार, लव यार, लव यार। तो कैसा इट्स कमिंग सून, तो क्या अनुभव कैसा था उसमें, रोमांटिक है? बहुत अच्छा था, देश के ऊपर, दो देशों के ऊपर कहानी है, उसमें हिंदू मुसलमान के ऊपर के फिर इसकी विचारधारा कैसी होती है उसके ऊपर। आपके भाई साहब फिल्म को वीडियो सॉन्ग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई के बारे में? भाई के बारे में माई ब्रदर गुड गुड पर्सन, बहुत अच्छा लगा मेरे भाई ने साथ दिया मेरा। महेंद्र जी बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, महेंद्र भाई सर तो है ही, उनकी वजह से आज यहाँ हूँ, उन्होंने थोड़ा भरोसा दिलाया कि कर सकते हो तुम, करो, अभी मैं ये कर रहा हूँ। बॉलीवुड में जो सपना है उसके लिए क्या डेली क्या मेहनत करते हैं? नहीं क्या है सर, मेहनत तो हुई है,
स्ट्रगल चालू अपना जो करने का रहता मेहनत का अच्छा प्रैक्टिस चालू है। बड़े एक्टर का आप रोल कॉपी करते हैं? नहीं नहीं वो तो क्या है टीवी पे देखता भी हूँ कौन क्या कैसे क्या करता है किसकी कैसी एक्टिंग होती है तो मैं उससे भी अच्छा करना चाहूँगा कि तो अब इसमें मैं किसी कॉपी नहीं हूँ उससे आगे भी अच्छे से करना चाहूँगा। नेहा के साथ फर्स्ट टाइम आप सीन करने जा रहे हैं कितना कंफर्ट होगा आपके लिए नए हीरोइन के साथ? अभी देखते हैं सर। डर नहीं लग रहा? नो नो प्रॉब्लम। पक्का? हाँ चलिए थैंक यू। ओके क्लैपबोर्ड किधर है? क्लैपबोर्ड जरा एक मिनट लेना। क्लैपबोर्ड लाना ना क्लैपबोर्ड। क्लैपबोर्ड देना क्लैपबोर्ड। नेहा बोलो सर। अरे फीमेल को सेंटर में करिए, बीच में ले लो फीमेल को। फीमेल नहीं एक्ट्रेस है मैं। स्माइल भूषण जी इंटरव्यू आप लेने वाले थे, आप किसको भेजिए? सर मैंने ही लिया। आप लोग कार्ड है हाथ क्यों दिखाया? कार्ड है वो मैं स्माइल फुल स्माइल शेक योर हेड हेयर डिसमिस योर हेयर कैच द बाइक गो अप लुक एट लेफ्ट राइट लेफ्ट यस 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 कार्ड One more. Go back. Go deep. Cut it. Chalo. Silence. Silence. Roll. Cut it. Roll. Action. Yes. Check your head. Balance allow, smile. Look at right. Yes. Yes. Come up. Turn right. Smile. Stand. Cut it. अच्छा ये वाला शॉट बहुत अच्छा है।
ने इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है।